Your Excellency, my friend, President Emmanuel Macron, Sri Piyush Goyal, Commerce and Industry Minister, Sri Jyotiraditya Sindhya, Minister of Civil Aviation, Sri Ratan Tata, Chairman of Tata Trust, Sri N. Chandrasekharan, Chairman Tata Sons, Mr. Campbell Wilson, CEO Air India, Mr. Guillaume Faury, CEO Airbus. सबसे पहले मैं Air India और Airbus को इस landmark agreement के लिए बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए मेरे मित्र राष्ट्रपति मैक्रों को मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ। यह महत्वपूर्ण डील भारत और फ्रांस के गहराते संबंधों के साथ साथ भारत के सिविल एविएशन सेक्टर की सफलताओं और आकांक्षाओं को भी दर्शाती है। आज हमारा सिविल एविएशन सेक्टर भारत के विकास का अभिन्न हिस्सा है। सिविल एविएशन को मजबूत करना हमारी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेटेजी का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पिछले 8 वर्षों में भारत में हवाई अड्डों की संख्या 74 से उछलकर 147 हो गई है, यानी लगभग दोगुनी बढ़त। हमारी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के माध्यम से देश के सुदूर हिस्सों की एयर कनेक्टिविटी से जुड़ रहे हैं, जिससे लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को बढ़ावा मिल रहा है। निकट भविष्य में भारत एविएशन सेक्टर में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट बनने जा रहा है। कई आकलनों के अनुसार भारत को अगले 15 वर्षों में 2000 से अधिक विमानों की आवश्यकता होगी। आज की ऐतिहासिक घोषणा इस बढ़ती मांग को पूरा करने में सहायक होगी। भारत की मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विजन के तहत एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में अनेक नए अवसर खुल रहे हैं। ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट्स के लिए ऑटोमेटिक रूप से 100% एफडीआई का प्रावधान रखा गया है। उसी तरह ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल यानी एमआरओ में भी 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है। भारत पूरे क्षेत्र के लिए एमआरओ का हब बन सकता है। आज सभी ग्लोबल एविएशन कंपनीज भारत में मौजूद है। मैं उन्हें इन अवसरों का पूरा लाभ उठाने के लिए आमंत्रित करता हूं। फ्रेंड्स, एयर इंडिया और एयरबस का समझौता भारत फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कुछ ही महीनों पहले अक्टूबर 2022 में मैंने वडोदरा में डिफेंस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के शिलान्यास में हिस्सा लिया था। 2.5 बिलियन यूरो के निवेश से बन रहे इस प्रोजेक्ट में भी टाटा और एयरबस की साझेदारी है। मुझे ये जानकर भी खुशी है कि फ्रेंच कंपनी साफरान विमानों के इंजन की सर्विस के लिए भारत में सबसे बड़ी एमआरओ फैसिलिटी स्थापित कर रही है। आज इंटरनेशनल ऑर्डर और मल्टीलेटर सिस्टम की स्थिरता और संतुलन सुनिश्चित करने में
भारत फ्रांस भागीदारी प्रत्यक्ष भूमिका निभा रही है, चाहे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता का विषय हो या वैश्विक फूड सिक्योरिटी तथा हेल्थ सिक्योरिटी। भारत और फ्रांस साथ मिलकर सकारात्मक योगदान दे रहे हैं। राष्ट्रपति मैक्रो, मुझे विश्वास है कि इस वर्ष हमारे द्विपक्षीय संबंध और भी नई ऊंचाइयों को छुएंगे। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत हमें साथ मिलकर काम करने के लिए और अधिक अवसर प्राप्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं।